इंस्पेक्टर अमर वर्मा रिपोर्टिंग सर। ये जिंदा है? क्या बात है सर, आप लोग सब बड़े रिलैक्स हो रहे थे हैं? रिलैक्स? गोली गोली। थैंक यू। ओके, हम सो इसलिए रहे थे कि हम सब बेकार है ना, हमको कोई काम नहीं है, बस सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहे थे हम लोग, आपका इंतजार। आप खड़े क्यों हैं? तस्वीर रखिए ना, बैठिए ना। दोस्तों, आपके चहेते बहादुर इंस्पेक्टर आखिर आ ही गए। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, पिछले 3 घंटे से आप कहां थे? सर, मैं एक मुखबिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेने गया था। क्या इंफॉर्मेशन मिली? सर, मुझे ड्रग डीलर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। ड्रग डीलर्स के बारे में? यस सर। आपने आज का अखबार पढ़ा? नहीं सर। नहीं? द सुपर कॉप ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, वन मैन आर्मी, बेचारे के पास अखबार पढ़ने का वक्त नहीं है, इन्हें अखबार दो आज का। सर, कोई खास बात है इसमें? खास बात? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, बस इतनी सी कि होम मिनिस्टर साहब की बेटी के घर में चोरी हो गई और चोर सारी खास खास चीजें उठाकर ले गया। अब होम मिनिस्टर साहब ने खास वार्निंग दी है कि अगर हमने जल्दी चोर को नहीं पकड़ा तो हमारे साथ एक खास कार्रवाई करेंगे, बस ये खास बात है। सर, मैं अभी जाकर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, शायद कोई सबूत लग जाए हमारे हाथ। एक मिनट, बैठो। हमें पता चल चुका है कि चोर कौन है, बस तुम्हारा काम उस चोर को गिरफ्तार करना है, अंडरस्टैंड? गोली, आप मुझे सबूत और उसकी गिरफ्तारी का वारंट दे दीजिए, मैं यूं उसे गिरफ्तार करके ले आऊंगा। यूं? बजी नहीं, ये रहा सबूत। सर, ये तो दस्ताने हैं। तो मैंने कब कहा कि टोपी है? देखो क्या लिखा है इसमें, किंग। हाँ, किंग, पुलिस से ज्यादा होशियार, चालाक और कामयाब। पिछले 5 साल से जहां दिल चाहता है, जैसे दिल चाहता है चोरी करता है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। अभी होम मिनिस्टर के घर पहुंच गया है। पिछले 5 साल से मैं इसकी फाइल मेंटेन कर रहा हूं, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। ये देखो, 91 की फाइल, 92 की फाइल, 93, 94, 95, 97। सर, इन फाइलों में तो कुछ भी नहीं है सिवाय कोरे कागज के। कुछ नहीं है? कोरे कागज है? सर, आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है सरेआम मारपीट करने में, जीपे तोड़ने में, वर्दी का रुआ भरने में, लेकिन किंग को पकड़ने के लिए सब काम नहीं आएगा, दिमाग काम आएगा। मुझे किंग चाहिए किसी भी हालत में, वरना मैं लाइटर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, असली रिवॉल्वर का इस्तेमाल करूंगा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mothers, happy birthday to you. Great. ये आपके लिए। बस बस राजा, ज्यादा मिठाई इनकी सेहत के लिए खराब है। अरे खाने दो डॉक्टर, जिस चीज में बेटे का प्यार मिला हो वो चीज माँ को नुकसान कभी नहीं पहुँचा सकती, है ना माँ? कितनी खुश नसीब हूँ मैं जो तुम जैसा बेटा मिला। दुख तो इस बात का है कि तुमने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। असली रिश्ता तो मानने से होता है, तुमने मुझे बेटा माना ना बस, और फिर अगर मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेता तो मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा होता। आज तुम्हें 10-10 माँ का बेटा हूँ। मुझसे ज्यादा खुशनसीब इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। राजा। यस डॉक्टर। तुम इन लोगों के पीछे इतना पैसा क्यों खर्च करते हो? क्योंकि मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये जानते हुए भी कि ये लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, और फिर भी तुम? हाँ डॉक्टर, क्योंकि इंसानियत ने इन्हें छोड़ दिया है और भगवान इन्हें भूल चुका है। जानते हो डॉक्टर, रावण के 10 सर उसकी रक्षा नहीं कर पाए, मेरे सर पे तो 10 माओं का आशीर्वाद है जो मेरी रक्षा करता है। खान साहब, ओ खान साहब। क्या है? अरे मुझे ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स। अबे तुझे क्या, मैं ड्रग बेचने वाला लगता हूँ? चल फुट। प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, जू गली में जा करके मिश्रा पान वाले से लंबे खान का पता पूछ, आजकल उधर वही माल बेच रहा है। मुझे मिल जाएगी खान साहब? अबे हाँ। अबे ये छोटा खान बोल रहा है, अल्लाह कसम सारे शहर में कौन क्या धंधा करता है सब अपन को मालूम है क्या?
अबे छोटा कान की नजर से कोई मुजरिम कोई धंधा नहीं छुपा है, चल तब तो तुम किंग के बारे में भी जानते होगे। तुम ये किंग कौन है छोटे खान, कहाँ रहता है वो? अरे अल्लाह कसम तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोई तुम्हें अगर मेरे साथ देख लेगा तो मुझे पुलिस का मुखबिर समझेगा, मैं देमो तारा लाऊंगा। अच्छा बताओ किंग कहाँ रहता है? मैं किंग के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हारी नजर से ना शहर में कोई मुजरिम बचा है ना कोई धंधा, फिर ये किंग कैसे बच गया मेरी जान? अल्लाह कसम मैं नहीं जानता। चिल्लाओ मत लंबे खान, छोटे खान, अगली बार जब मिलोगे ना किंग का पता लगा कर मिला, समझे? मैं चलता हूँ। कल ड्रग्स की वजह से चार आदमी मारे गए थे, वो ड्रग्स किसने बेची? अल्लाह कसम मुझे नहीं मालूम। ना ना नहीं, मुझे उसका नाम चाहिए। नाम ही उसका नाना है मेरे पास। कहाँ मिलेगा इस वक्त? बताता हूँ। नो डैड, डैड एंड सन घर में, एसीपी और इंस्पेक्टर दफ्तर में। यस सर। गुड। अरे हाँ, जो ऑफिसर्स हमारे डिपार्टमेंट में एक्सीलेंट सर्विस के लिए गोल्ड मेडल डिजर्व करते हैं, मैंने उन लोगों की लिस्ट बनाई है और लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा है, सबसे ऊपर है। थैंक यू सर। बस यूं समझो तुम्हारा गोल्ड मेडल पक्का। क्यों बिहारी लाल? क्या बात कही सर, मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ। और मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ सर। हाँ जी, मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ। सर आप डंडों का सहारा लेकर क्यों आए? मैं अपना कंधा दे सकता हूँ। घबराइए नहीं वर्मा जी, वो दिन दूर नहीं जब आप मुझे कंधा देंगे। सर आप? सर, सर गए मर, तुम बहुत जल्दी मेरी वर्दी उतरवा दोगे, मुझे चपरासी बना दोगे। यस सर। सर आप कैसी बात कर रहे हैं आप? सर सही कह रहा हूँ, जो बात मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ वो तो तुम्हारी समझ में आ नहीं रही। नाना को पकड़ा, कोई तीर नहीं मार लिया। लेकिन सर वो बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर है, उसके पास 9 किलो 25 ग्राम ड्रग पकड़ा गया। कोई फायदा नहीं, जिसे पकड़ना चाहिए वो तो पकड़ते नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। सर ये लो, देखो 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 इसे। किंग? यस, कल उसने फिर चोरी की 10 करोड़ रुपए की। जानते हो मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाकर ऐसी ऐसी गालियां दी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि साहब ये खबर अखबार में मत देना वरना जनता पुलिस पर थूकेगी, हंगामा मच जाएगा। ऐसी जिल्लत की जिंदगी मैं नहीं जी सकता। डॉक्टर जहर है तुम्हारे पास? जी नहीं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया, कल के पेपर्स में ऐड दूंगा कि किंग को पकड़ने वाले को 1,00,000 रुपया इनाम फिक्स। ये लीजिए। ये क्या है? विक्स। विक्स? ओ एक्सीलेंट आइडिया सर, वेरी गुड। और ये 1,00,000 रुपया तुम्हारे फंड से लिया जाएगा। बैड आइडिया सर, वेरी बैड। शट अप। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा 1,00,000 रुपया बच जाए और इससे पहले कि उसे और कोई पकड़ कर लाए फॉरन किंग को मेरे पास ले आओ, वरना तुम्हारा ट्रांसफर टंडारी कला कर दूंगा। और एक बार तुम टंडारी कला पहुंच गए तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा, अंडरस्टैंड? ओ ये काहे की लिस्ट है? ये सब लोग रिजाइन कर रहे हैं क्या? नहीं सर, ये मेरिटोरियल सर्विस के लिए ये साल के गोल्ड मेडलिस्ट है, ये उनके नाम। आहा, और लिस्ट पर नंबर 1 अमर वर्मा, तुम्हारा खुद का बेटा, माय फुट। ये बाकी की लिस्ट टाइप करके मेरे पास अप्रूवल के लिए ले आओ, बाय। तेरा गोल्ड मेडल तो गया, अब ये पागल तुम्हें टंडारी कला भेज के रहेगा। बाय द वे डैडी, टंडारी कला कौन सी जगह है? ये वो
वो कब्रिस्तान है जिसे भगवान भी बनाकर भूल गया है, और पुलिस वालों के लिए तो ये वन वे एंट्री है, जो गया सो गया। कहिए। नमस्ते। नमस्ते। अब आप पूछेंगे कहिए क्या काम है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ कोई शैम्पू या साबुन बेचने नहीं आई हूँ, ना मैं कोई अनाथ आश्रम से चंदा मांगने आई हूँ, और ना ही किसी का एड्रेस पूछने आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आई। अब आप पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं काजल की सहेली हूँ। अब आप पूछेंगे काजल कौन, तो काजल मेरी सहेली है जो आपके बेटे अमर से बहुत प्यार करती है। मैं अंदर आ सकती हूँ? दरअसल अमर भी उसे बहुत प्यार करता है और दोनों शादी करना चाहते हैं। वो क्या है कि अमर आपसे बात करने में जरा शर्मा रहा था, तो मैंने कहा अरे भाई इसमें शर्माने की क्या बात है, और तुम दोनों को इतनी शर्मा रही है तो मैं बात कर लेती हूँ। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? अरे अरे जरा सांस तो लो, तुमने तो आते ही बोलना शुरू कर दिया। जरा मैं भी तो लड़की देखूं, उससे मिलूं। इसमें देखने की क्या जरूरत है, मुझे देख लिया मतलब काजल को देख लिया, बिल्कुल मेरे ही जैसी तो लगती है वो। अगर वो तेरी तरह चंचल और खूबसूरत है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सच? तो मैं आपके पैर छू सकती हूँ काजल की तरफ से? जीती रहो काजल बेटी। आपने कैसे जाना कि मैं काजल हूँ? तू जिससे प्यार करती है ना, मैं उसकी माँ हूँ। माँ ने हाँ बोल दी? हाँ। अरे कमाल है, कमाल है। वैसे माँ को बताया कैसे? वो अपना स्टाइल है। कौन सा स्टाइल? वो है, अब तुम भी कमाल करके दिखाओ तो जानू। कैसा कमाल? मेरे पापा को पटाने का कमाल। अरे मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छी तरह सोच लो। सोच लिया। वो बूढ़ा मुझे देखते ही सॉरी मेरे पैरों पे पड़ जाएगा और कहेगा बेटा मेरे घर की इज्जत बचा लो, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। बस ऐसा ना हो कि उनको देखते ही आपकी हवा निकल जाए। अरे हवा तो उसकी निकलेगी, कोई छोटा मोटा इंस्पेक्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ा इंस्पेक्टर हूँ अमर वर्मा। ठीक है चलो। चलो चलो कहाँ? अरे चलो ना यार, लेकिन तुम्हारी जीप में नहीं हूँ, मेरी बाइक पे जाना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जीप को कोई मेरे बंगले में घुसने नहीं देगा। ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी टाइट सिक्योरिटी है? ये वहाँ जाके पता लग जाएगा। चेहरा घुमाओ, पट्टी बांधनी है। अब पट्टी क्यों बांधनी है? क्योंकि अगर पट्टी नहीं रही तो तुम मेरा बंगला देखते ही भाग जाओगी। अब ऐसी क्या बात है तुम्हारे बंगले में? वैसे कभी तुमने बताया नहीं तुम्हारे पिताजी करते क्या है, डॉन है, स्मगलर है, भाई है। वाह, तीर क्या निशाने पर मारा है कमबख्त ने, मेरी बेटी को घायल कर दिया, अपने इश्क में गिरफ्तार कर दिया, लेकिन गुजाल सिंह बाप के जज्बात को काबू में रख इंसाफ की देवी की तरह आंखों पर पट्टी बांध कर उनकी मोहब्बत को तोल, उनकी जिंदगी का फैसला कर गए। पापा। बेटी आ गई तो कहाँ है वो? तुम जाओ, हम इससे अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। तक लिया। ओके, मैं चाय बना के लाती हूँ। डरना नहीं है। तो बरकरार क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम काजल से कितना प्यार करते हो? जितना मजनू ने लैला के साथ किया था, रांझा ने हीर के साथ, रोमियो ने जूलियट के साथ, और फरहाद ने शीरी के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। तब तुम ये भी जानते होगे कि इन लोगों की आपस में कभी शादी नहीं हुई थी। तो क्या हुआ सर, लेकिन हमारी शादी होगी। होगी सर, पर हमें कोई नहीं जुदा कर सकता। वाह वाह, तुम मेरी बेटी को कब से जानते हो मेरे बच्चे? पिछले कई जन्मों से। वेरी गुड, वेरी गुड। कितनी बार कहा कि फर्नीचर रास्ते मत रखा करो। फर्नीचर? पिछले कई जन्मों से, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ कि पिछले जन्म में तुम क्या थे? किसी को याद थोड़ी रहता कि वो पिछले जन्म में क्या करता था। तो तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम मेरी बेटी को जन्मों से प्यार करते हो? हिट डायलॉग है, हर आशिक यही मारता है। तुम करते क्या हो? प्यार। किससे? अपनी नौकरी से और आपकी छोकरी से। नौकरी क्या करते हो? आई एम एन इंस्पेक्टर इन म्युनिसिपैलिटी। पुलिस में। पुलिस में? आप घबरा क्यों गए? काजल ने जब मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी, मैं उसी वक्त समझ गया था आप ठीक आदमी नहीं है, जरूर कोई चोर उचक्के डाकू या स्मगलर है। खैर, आप मेरे होने वाले ससुर जी हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए।
मैं अपने फर्ज में रिश्तेदारी को नहीं लाना चाहता, वरना मैं खुद अपने हाथों से आपके हाथों में हथकड़ी डालकर आपको जेल में बंद कर देता। मेरे बेटे, शायद तुम जानते नहीं कि मैं पुलिस कमिश्नर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। खुशहाल सिंह? खुशहाल सिंह नहीं, खुशहाल सिंह। हाँ वही खुशहाल सिंह। आज सुबह सुबह किसका नाम ले लिया? क्या बिगाड़ लेगा मेरा वो? क्या बिगाड़ लेगा वो? खुद तो दवाई और गोलियों पे चलता रहता है, मुझ पर खाको घूम चलाएगा? गोलियां? वो सर कमिश्नर नहीं, एक चलता फिरता बीमारियों का अड्डा है। बस एक बात बताऊं, बड़ा ही डरपोक किस्म का आदमी है वो। तो कमिश्नर क्या, मैं उसको तो मैं हवलदार भी ना बनाऊं उसको मैं। तो तुम उससे डरते नहीं हो? मैं और उससे डरू? सर वो तो मेरे सामने उसकी वो तुम्हारे सामने डरता है मुझसे। अच्छा, वो तुम्हारे सामने डरता है? आप जब गुस्सा करते तो आपकी आवाज काफी उससे मिलती जुलती है। बेटा, अगर आंख से पट्टी नीचे करोगे तो शक्ल भी मिलती जुलती नजर आएगी। आपकी शक्ल भी उससे बिल्कुल। आप काजल के डैडी? सर इस बार तो मैं जा रहा हूँ, अगली बार आपकी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। मैं जाऊं सर? मैं जाऊं? नमस्ते। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने